क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे, जिसमें देखिए हमें क्या गिवन है, एसोसेलेस ट्राइंगल का पैरामीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स, आपको पता है ना एसोसेलेस में दो साइड्स बराबर होती हैं, तो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए करते हैं, देखिए पैरामीटर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, साइड्स ऑफ ट्राइंगल में ए 12 सेंटीमीटर, बी भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल होती है ना एसोसेलेस में, तो हमें थर्ड साइड निकालनी है सी। कैसे निकालेंगे, 30 जो आपका पैरामीटर गिवन है माइनस 12 प्लस 12, तो कितना आएगा 30 माइनस 24, तो वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड साइड हमारी क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हम सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं, यानी कि एस जिसे हम कहते हैं, कैसे निकलेगा 30 डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है आपकी 15 माइनस ए, ए कितना आपका 12, 15 माइनस बी, बी में आपकी वैल्यू क्या है 12, और 15 माइनस थर्ड साइड आपकी कितनी आई है 6, आपका आगे 15 इंटू 3 माइनस करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 9। चलिए अब इसको खोलते हैं, तो देखिए 15 को खोलेंगे तो 3 इंटू 5, ये वैसे ही खुले हुए हैं, 9 को खोलेंगे तो 3 इंटू 3। चलिए अब पेयर बना लेते हैं, तो देखिए 3 का 3 से पेयर बन गया, इस 3 का इस 3 से पेयर बना, बाकी 5 और 3 का पेयर नहीं है ना, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे हम इसको 5 इंटू 3, जिसका पेयर नहीं बनता वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल के आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।